मेरे को खुद बिलीव नहीं हो रहा कि मैं आज चाइना जा रहा हूँ। बोर्डिंग गेट के पास आया, उन्होंने मेरे को रोक लिया। बोला क्या हुआ? इन लोगों ने बोला कि आपकी फ्लाइट हम लोगों ने बिजनेस क्लास में अपग्रेड कर रही, फ्री अपग्रेड। चाइना का फर्स्ट इंप्रेशन तो भाई अल्टीमेट है भाई। हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। मेरा नाम है तुरवशु। अभी मैं हूँ न्यू दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। फिर से आज मैं निकल पड़ा हूँ एक न्यू कंट्री के लिए। एक न्यू कंट्री की ट्रिप आज से शुरू होती है। मैं आज जा रहा हूँ चाइना। मेरे को खुद बिलीव नहीं हो रहा कि मैं आज चाइना जा रहा हूँ। चाइना मेरे विशलिस्ट पे यार काफी टाइम से था, पिछले 3-4 साल से मेरे विशलिस्ट पे था, लेकिन चाइना जाना हो नहीं पा रहा था। जब से पेंडेमिक स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अभी तक चाइना टूरिज्म के लिए बंद था। फाइनली 3 साल के बाद आफ्टर पैंडेमिक चाइना ने अपना बॉर्डर्स ओपन किए हैं और टूरिज्म अलाउ किया है। तो चाइना ने जैसे ही टूरिस्ट वीजा को रिज्यूम किया, मैंने तुरंत चाइना वीजा अप्लाई कर दिया। अभी तो किसी को पता ही नहीं है कि चाइना ने भी अपना टूरिस्ट वीजा ओपन कर दिया है। तो जब मैं चाइना वीजा अप्लाई करने गया था इनके वीजा एप्लीकेशन सेंटर में, तो मेरे को छोड़ के सारे एप्लीकेंट्स बिजनेस वीजा वाले थे। मैं इकलौता टूरिस्ट वीजा वाला था। सबको लगा कि मैं बिजनेस वाला ही हूँ, तो सबको बताना पड़ रहा था कि नहीं, मैं टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर रहा हूँ। चाइना का टूरिस्ट वीजा यार बहुत डिफिकल्ट नहीं, एक तरीके का इजी ही है। तो इसके लिए आपको यार ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ता है और डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा नहीं चाहिए, बैंक स्टेटमेंट चाहिए। लोग ने बस 1.5 लाख बैंक बैलेंस मांगा है, बहुत ज़्यादा नहीं मांगा है। रिटर्न फ्लाइट टिकट चाहिए, होटल बुकिंग चाहिए और आइटनरी चाहिए, बस इतने डॉक्यूमेंट चाहिए और फोटोग्राफ। तो ये 5-6 डॉक्यूमेंट है, मैं लिख देता हूँ, लोग देख लेना। और इनकी 2 सर्विस है, एक नॉर्मल सर्विस है जिसमें वीज़ा 5 दिन के बाद मिलता है, और एक एक्सप्रेस सर्विस है। मैंने एक्सप्रेस सर्विस लिया था, मैंने आज अप्लाई किया था, अगले दिन मेरे को वीज़ा मिल गया था। आई थिंक शायद नॉर्मल सर्विस में 5 या 6 हज़ार रुपये के आसपास लगेगा, मेरे लगे हैं 8.5 हज़ार। मेरे को 3 मंथ्स की वैलिडिटी मिली है और 1 मंथ का स्टे मिला है चाइना में। सिंगल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा है और जिस दिन वीज़ा इशू हुआ उसी दिन से 3 मंथ्स की वैलिडिटी स्टार्ट हो चुकी थी। अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं और मेरी 3 घंटे के बाद यानी 11:30 बजे मेरी फ्लाइट है इंडिया से चाइना की वाया कजाकिस्तान। मेरी एयर अस्ताना की फ्लाइट है, तो मैं इंडिया से अल्माटी जा रहा हूँ, कजाकिस्तान की लार्जेस्ट सिटी। फिर अल्माटी में मेरा 6 घंटे का, 6 भी नहीं, आई थिंक 6.5 घंटे का लेओवर है। 6.5 घंटे के बाद मेरी अगली फ्लाइट है अल्माटी से बीजिंग, जो कि चाइना का कैपिटल है। पहली फ्लाइट इंडिया से कजाकिस्तान की 3 घंटे की है, फिर कजाकिस्तान से चाइना की फ्लाइट अराउंड 5 घंटे की है, क्योंकि यार बीजिंग ना चाइना के एक तरीके के नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में आता है, तो काफ़ी ऊपर और एंड साइड है, ईस्ट की तरफ है। जब मैं चाइना वीज़ा अप्लाई करने की प्रिपरेशन कर रहा था तब मैंने फ्लाइट देखा था, फ्लाइट मेरे को मिल रही थी 18,000 रुपये में। फिर कुछ दिन बाद मैं चाइना वीज़ा अप्लाई किया, अब चाइना वीज़ा लिया, तब तक फ्लाइट का रेट बढ़ चुका था। मेरे की फ्लाइट पड़ी है 25,000 में पूरा इंडिया से चाइना का। मैंने 15 दिन पहले फ्लाइट बुक करी है, अगर आप 1 महीने पहले फ्लाइट बुक करते हो आपको आराम से मिल जाएगी 18,000 रुपये के आसपास 1 वे। चाइना के लिए यार मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, एक तरीके का मेरा विशलिस्ट पूरा होने जा रहा है। मैं इंडिया की कैपिटल से चाइना की कैपिटल बीजिंग जा रहा हूँ। चेक इन स्टार्ट हो चुका है, चलते हैं फिर चेक इन करते हैं। और हाँ, चाइना में पैंडेमिक से रिलेटेड सारी रिस्ट्रिक्शंस हट चुकी हैं, तो कोई भी RT-PCR या टेस्टिंग रिपोर्ट वगैरह नहीं चाहिए। अब सिर्फ एक ऑनलाइन सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को फिल करना पड़ता है, जो कि मैंने ऑलरेडी फिल कर लिया, बस वही दिखाना पड़ेगा। मिलते हैं फिर आप लोगों को सारा प्रोसीजर कम्प्लीट करने के बाद। तो गाइस यार, दोनों बोर्डिंग पास भी मेरे को इशू हो गया, इंडिया से कजाकिस्तान, कजाकिस्तान से चाइना का इमिग्रेशन भी हो गया, सिक्योरिटी क्लियरेंस भी हो गया, सब कुछ बहुत इजी था यार। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो मैंने ऑनलाइन फिल किया था चाइनीज़ वेबसाइट पे, बस उन्होंने उसको चेक किया और कुछ भी नहीं देखा। इमिग्रेशन पर भी सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा कि कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा चाइना जा रहा हूँ। उन्होंने पूछा कि चाइना किस पर्पज़ से जा रहे हो, मैंने कहा टूरिज़म के लिए जा रहा हूँ। कहा टूरिज़म के लिए जा रहे हो, टूरिज़म के लिए कोई जाता नहीं है, पिछले 3 साल से कोई टूरिज्म के लिए किया नहीं चाइना। मैंने कहा चाइना में बहुत कुछ है घूमने के लिए, अब लोग इंडिया से जाते नहीं, तो अब मैं क्या ही करूँ इसके लिए। मैक्सिमम लोग बिजनेस पर्पस या फिर स्टडी या वर्क पर्पस से ही जाते हैं, उन्होंने स्टैम्प कर दिया। अभी 9:30 बज रहे हैं, अभी भी 2 घंटे हैं फ्लाइट को। अब आज के टाइम पे यार ऑलमोस्ट सारे ट्रैवलर्स के पास यार कोई ना कोई डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड होता है जिसमें लाउंज एक्सेस मिल जाता है। मेरे पास 2-3 कार्ड हैं, सब में लाउंज एक्सेस है, तो चलता हूँ लाउंज में कुछ खा लेता हूँ। यार कितना ज़्यादा रश है लाउंज में यार। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, तो मेन कोर्स कुछ है नहीं, लंच है नहीं, तो ब्रेकफास्ट ही है। तो मैंने डोसा लिया है, पाव भाजी है, पोहा है, ये फ्रूट जूस है। लाउंज में ब्रेकफास्ट हो गया और अब चल रहा हूँ अपने गेट की तरफ, गेट नंबर 6 है, पास में ही होगा। 11:30 की फ्लाइट है, 10:45 हो चुकी है, बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, फिर फ्लाइट को बोर्ड करते हैं। एयर अस्ताना से मैं दूसरी बार ट्रैवल करने जा रहा हूँ, उससे पहले मैं कजाकिस्तान से इंडिया एयर अस्ताना से आ चुका हूँ, तब मैं यूट्यूब पे नहीं था,
चार पाँच साल पहले की बात है, मैंने तो फ्लाइट बुक किया था इकोनॉमी क्लास की। आज लाइफ में पहली बार मेरी फ्लाइट बिजनेस क्लास में अपग्रेड हो गई है। पता नहीं कैसे बोर्डिंग गेट के पास आया, उन्होंने मेरे को रोक लिया। बोला क्या हुआ? इन लोगों ने बोला कि आपकी फ्लाइट हम लोगों ने बिजनेस क्लास में अपग्रेड कर रही, फ्री अपग्रेड। हेलो, गुड मॉर्निंग। 17th row on the left side. You, the window. 17th, they told me, as a business class? No, it's economy class. They told me they have upgraded my... This one is... Oh, yeah. Yeah, 4K is 4th row on the left side, near the window. This one, 4th. So guys, welcome to Republic of Kazakhstan. जी हाँ, हम लोग इंडिया से 3 घंटे की फ्लाइट लेके सेंट्रल एशिया की सबसे बड़ी कंट्री कजाकिस्तान पहुंच चुके हैं। कजाकिस्तान वर्ल्ड की 9th लार्जेस्ट कंट्री है और वर्ल्ड की लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री है। इसके साथ ही सारे एक्स सोवियत कंट्रीज में अपार्ट फ्रॉम रशिया कजाकिस्तान सबसे बड़ी कंट्री है। अभी हम लोग हैं अल्माटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। अल्माटी कजाकिस्तान की सबसे बड़ी सिटी है, कैपिटल नहीं है, कैपिटल अस्ताना है, लेकिन अल्माटी भी एक टाइम पे कजाकिस्तान का कैपिटल हुआ करता था, तो ये फॉर्मर कैपिटल है कजाकिस्तान का। अभी अल्माटी में शाम के अराउंड 4:45 बज रहे हैं। मेरा अल्माटी में 6.5 घंटे का ले हुआ है। रात में 11 बजे मेरी फ़्लाइट है बीजिंग चाइना की। इंडिया और मेनलैंड चाइना के बीच में एज ऑफ नाउ कोई भी डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है, हांगकांग की है, तो कोई ना कोई कंट्री से ट्रांजिट करके ही जाना पड़ेगा चाइना। जब मैं अल्माटी पहुंचा तो सारे ट्रांजिट पैसेंजर्स को एयरलाइन वालों ने बुला लिया और थोड़ा कुछ पासपोर्ट और बोर्डिंग पास वगैरह चेक किया, क्योंकि दोनों बोर्डिंग पास इंडिया से मिल गया था। तो उन्होंने बोला कि आप जाके ट्रांजिट वाले एरिया में वेट करो। मैंने बोला यार 6.5 घंटे का ट्रांजिट है, मैं चाहता हूँ कि एयरपोर्ट को एग्जिट करूँ, कंट्री में एंट्री करूँ और वापस फिर आ जाऊँगा मैं। तो एयरलाइन वालों ने बोला कि श्योर नहीं है कि यहाँ के इमिग्रेशन ऑफिसर आपको एंट्री देंगे कि नहीं देंगे 6.5 घंटे के ट्रांजिट में। बोले अच्छा ठीक है, आप जाओ, अपना बोर्डिंग पास मत दिखाना, ये मत बोलना कि मेरी 6 घंटे बाद फ्लाइट है, बोलना कि मैं अल्माटी आया हूँ, तो आपको मे बी एंट्री आपको दे दें। तो मैं गया यार इमिग्रेशन के पास, उन्होंने मेरे से बस इतना पूछा टूरिज्म के लिए आया हो, मैंने कहा यस, तो बाकी कुछ भी क्वेश्चन नहीं किया, तुरंत मेरे को एंट्री दे दिया कजाकिस्तान में। तो मेरी ऑफिशियली कजाकिस्तान के अंदर एंट्री हो चुकी है। इंडियन पासपोर्ट होल्डर विदाउट एनी वीज़ा अप टू 14 डेज तक कजाकिस्तान में रह सकते हैं। तो अभी मैं अल्माटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर हूँ। ये देखो, ये अल्माटी लिखा हुआ है कजाक लैंग्वेज पे, ये एयरपोर्ट अल्माटी। छोटा एयरपोर्ट है, बहुत ज़्यादा एयरपोर्ट नहीं है, यहाँ शुरू हुआ है कहीं वहाँ ख़त्म हो चुका है। एयरपोर्ट से सिटी सेंटर के लिए बस जाती है, आई थिंक शायद आधे से घंटे में पहुंचा देगी। चाहूँ तो मैं यहाँ से सिटी जाके 2-3 घंटे घूम के वापस आ सकता हूँ, लेकिन मैं अल्माटी ऑलरेडी घूमा हुआ हूँ पहले, तो जाने का मन नहीं है, एयरपोर्ट पे ही रहूँगा। अब प्रॉब्लम ये है, एयरपोर्ट पे वाईफाई काम नहीं कर रहा है, वाईफाई सिर्फ जिनके पास कजाकिस्तान का नंबर से उनका चलेगा। कुछ ऐसा माहौल है एयरपोर्ट के बाहर का, बहुत सारी कार्स है, बहुत सारी टैक्सीज हैं, सब लोग बुला रहे हैं मेरे को टैक्सी टैक्सी टैक्सी, इनके भाई ट्रांजिट कर रहा हूँ, क्या टैक्सी लूँगा मैं। सो गाइस, मैं कजाकिस्तान में सिर्फ आधे घंटे के लिए मैंने एंट्री ली, फिर आधे घंटे के बाद मैंने इस कंट्री से एग्जिट ले लिया। सिर्फ आधे घंटे के लिए मैं इस कंट्री के अंदर गया। तो जब मैं एयरपोर्ट के अंदर आया और इमिग्रेशन की तरफ गया, तो मेरे फ्लाइट के अराउंड 4 घंटे थे। तो बोला आपको बोर्डिंग पास कैसे मिल गया, जो चेकिंग स्टार्ट भी नहीं हुआ, तो सब हैरान थे। मैंने बताया फिर कि मेरा ट्रांजिट था यहाँ पे, क्योंकि ऐसा नॉर्मली कोई करता नहीं है आधे घंटे के लिए ट्रांजिट यहाँ पे। सो गाइस, बीजिंग की फ़्लाइट का बोर्डिंग स्टार्ट हो चुका है, 10:01 की फ़्लाइट है, हम लोग की फ़्लाइट 5 घंटे की होने वाली है। सो गाइस, मैं फ़्लाइट के अंदर आ चुका हूँ। इंडिया से कजाकिस्तान वाली फ़्लाइट ऑलमोस्ट पूरी फुल थी, बट ये कजाकिस्तान से चाइना वाली फ़्लाइट आई थिंक आधी खाली है, आधी भरी हुई है।
सो गाइज फाइनली वेलकम टू पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, अपने कंट्री का नेबरिंग कंट्री। चाइना की कैपिटल बीजिंग पहुंच चुके हैं। मैं तो ऑलमोस्ट फुल फ्लाइट में सो ही रहा था, ओवरनाइट फ्लाइट थी। अभी मॉर्निंग के 5 बज रहे हैं तो मैं वॉक करके जा रहा हूँ इमिग्रेशन की तरफ। देखते हैं इमिग्रेशन कैसा होता है। फ्लाइट के अंदर एक ये अराइवल फॉर्म मिला है तो उसको फिलअप करना पड़ेगा। चाइना का टाइम जोन GMT 8 या UTC 8 है। इंडिया से 2.5 घंटे आगे है चाइना। अभी यहाँ 5 बज रहा है तो इंडिया में रात के 2:30 बज रहे होंगे। अभी चाइना दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है बाई लैंड एरिया आफ्टर रशिया एंड कनाडा, ऑलमोस्ट इक्वल टू द साइज ऑफ USA। इस हिसाब से पूरे चाइना में अराउंड 4 से 5 टाइम जोन्स होने चाहिए थे, फिर भी पूरे चाइना में सिर्फ एक टाइम जोन है। आप ऐसा बोल सकते हो अगर ईस्टर्न चाइना में अगर दिन हो रहा होगा तो वेस्टर्न पार्ट में रात हो रही होगी, इतना डिफरेंस है। सो गाइस फाइनली हमारी एक और न्यू कंट्री चाइना के अंदर एंट्री हो चुकी है। सो वंस अगेन वेलकम टू पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। हम लोग यहाँ सुबह 5 बजे लैंड किए थे, अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा बड़ा एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट का नाम है बीजिंग कैपिटल एयरपोर्ट। डोमेस्टिक इंटरनेशनल दोनों है। इमिग्रेशन पे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, सिर्फ फिंगरप्रिंट हुआ, फोटो ली गई। अपना चेक इन पैकेज मैंने कलेक्ट कर लिया है। मेरे को लगा इमिग्रेशन में यार कुछ क्वेश्चन करेंगे, मे बी क्यों आए हो, कहाँ रुके हो, या रिटर्न फ्लाइट टिकट। एक क्वेश्चन नहीं किया, कुछ बात ही नहीं किया इमिग्रेशन ऑफिसर ने तो। और एक अलग बात ये लगी, जैसे ही उन्होंने हम लोगों का पासपोर्ट स्कैन किया तो सारा अनाउंसमेंट हिंदी में हो रहा था। जनरली ऐसा होता नहीं है लेकिन यहाँ पर हो रहा था चाइना में। हाँ जी भाई जी, आप सबवे सबवे यहाँ पे बस नीचे। ओके ओके, तो हम यहाँ से एग्जिट ले लेंगे। And then WhatsApp तो है आपके पास? ठीक है ठीक है। तो अभी जाहिद भाई मिले हैं यहाँ पे। तो आप श्रीनगर से हैं? श्रीनगर से। चाइना में आप कब से? I'm coming from last few years, 6-7 years. 6-7 years. आप भी जाते रहते हैं? ओके ओके। बिजनेस पर्पस पूरा? बिजनेस पर्पस। ओके। बीजिंग कैपिटल एयरपोर्ट से बीजिंग का सिटी सेंटर अराउंड 30 किलोमीटर है। तो टैक्सी ले सकते हो, शटल बस भी चलती है और यहाँ से एयरपोर्ट मेट्रो भी चलती है जो कि बीजिंग की मेट्रो को जाके कनेक्ट करती है। तो मैं जा रहा हूँ यहाँ के ग्राउंड फ्लोर पे जहाँ से मेरे को एयरपोर्ट मेट्रो मिलेगी। तो ये है कैपिटल एयरपोर्ट एक्सप्रेस। तो ये बीजिंग एयरपोर्ट पे ATM मशीन मिल गई है तो कुछ पैसे निकाल लेता हूँ यहाँ पे। कितना निकालूँ पता नहीं, देखता हूँ। अभी यार एक प्रॉब्लम हो गया है, कोई भी न्यू कंट्री आते ही सबसे इम्पॉर्टेंट होता है सिम कार्ड एंड लोकल करेंसी। तो यहाँ तो मैं सिम कार्ड लेने गया तो पता चला, पहली बात तो सुबह 7 बजे सारे आई थिंक शायद 1 या 2 कंपनी ही यहाँ पर एयरपोर्ट पे है, उनके काउंटर्स बंद हैं, बोल रहे हैं 10 बजे के आसपास ओपन होगा। दूसरी बात, फॉरनर्स को अब यहाँ पर इनका न्यू रूल आ चुका है, न्यू लॉ है कि एयरपोर्ट पे सिम कार्ड नहीं मिलेगा। सिटी में जाके कोई ऑफिस जाके पासपोर्ट दे के रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही सिम कार्ड मिलेगा। तो मैं यहाँ पर सिम कार्ड ले नहीं पाऊँगा, ओपन होता तब भी नहीं ले पाता, वैसे भी क्लोज है। दूसरा, यहाँ पर ATMs हैं, यहाँ पे काफ़ी ATMs हैं एयरपोर्ट पे। तो मैं ATM से पैसे निकालने गया, उनका कीबोर्ड ना ढका हुआ है, ध्यान से देखोगे तभी उनका कीपैड दिखता है। तो मैंने अपना कार्ड डाला और पैसे निकालने लगा अपना पिन डाल के, तो यहाँ पे ATM का कीपैड गया है उल्टा है इंडिया से। जैसे इंडिया में ऊपर से 1 से शुरू होता है, यहाँ पे ऊपर से 9 से शुरू होता है, 1 एकदम नीचे है। नॉर्मली अपना पिन डाला, पिन गलत आया, ऐसा क्या है। तो मैं ध्यान नहीं दिया, मैं 3 बार ट्राई किया, मेरा 3 बार पैसे नहीं निकले। फिर जब मैंने कीपैड देखा ये तो उल्टा दिया हुआ है, तो फिर मैंने सही डाला तो लिख के आ रहा था कि आपने पिन डालने का सारा लिमिट क्रॉस कर गए हो। तो मैं यार ये क्या हो गया यार, शायद 24 आवर के लिए मेरा कार्ड ब्लॉक हो गया, कल ओपन होगा। तो ऐसे ही मैं खड़ा था तो एक इंडियन भाई आया अचानक से, बोला मैं आपका वीडियोस देखता हूँ यूट्यूब पे। उन्होंने बोला कि मैं यहाँ पे चाइना में 17 साल से हूँ, मैंने यहाँ पे बिजनेस है चाइना में। उनको मैंने बताया कि ऐसा मेरे साथ हुआ है, यहाँ पैसे निकाल नहीं पा रहा हूँ मैं। उन्होंने मेरे को 500 यहाँ की लोकल करेंसी दे दी है, तो उनको मैं इंटरनेट जब मिलेगा तो उनको मैं गूगल पे या कुछ कर दूंगा उसके INR इक्विवेलेंट। तो ये देखो, ये चाइना की करेंसी है, इसको बोलते हैं रेनमिनबी या युआन भी बोलते हैं। 1 रेनमिनबी से इनकी नोट शुरू होती है, मैक्सिमम 100 तक की गई हुई है। तो 100-100 की ये 5 नोट है, 500, ये देखो कुछ ऐसा है। प्रेजेंट टाइम पे 1 रेनमिनबी या 1 युआन इंडिया के 12 रुपये के बराबर है, यानी कि ये 500 अराउंड 6,000 रुपये के आसपास हो चुके हैं। और रेनमिनबी वर्ल्ड की 5th मोस्ट ट्रेडेड करेंसी है। रेनमिनबी एंड युआन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये दोनों इंटरचेंजेबल है, तो लोग चाहे कुछ भी बोलते हैं। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि करेंसी रेनमिनबी है, उसकी यूनिट है युआन, तो कुछ भी बोलो दोनों एक ही चीज़ है एक तरीके का। मैंने जब आज से 3-4 साल पहले पहली बार जब चाइना आने का मैं सोचा था, प्लान कर रहा था,
तब एक युआन 10 रुपए का बराबर था, आज 12 हो चुका है। ये हम लोग आ चुके हैं सबवे पे, जो एयरपोर्ट एक्सप्रेस ट्रेन है जो लेके जाएगी हम लोगों को बीजिंग कैपिटल। तो ये एयरपोर्ट एक्सप्रेस का वेंडिंग मशीन है, यहाँ से टिकट निकालता हूँ। टिकट काउंटर सब बंद पड़े हुए हैं सुबह 7 बजे भी। पहली ट्रेन सुबह 6:30 बजे शुरू होती है और लास्ट ट्रेन है रात में 11 बजे। हेलो, नहीं आओ। हाँ, टिकट ठीक है। 25 ओके। यू से रेनमिनबी और युआन, यू करेंसी रेनमिनबी, ओके 25 रेनमिनबी, ओके ओके, थैंक यू। तो ये एयरपोर्ट एक्सप्रेस का टिकट है 25 रेनमिनबी का, लगभग 300 रुपये हो गए। बाकी नोट इन्होंने चेंज वापस कर दिया है, 5 का है, 10 का है, ये देखो। एयरपोर्ट पे अभी तक जितनी भी ऑफिसर्स मिल रहे हैं यार, सुपर फ्रेंडली, बहुत अच्छी तरीके से बात कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से ग्रीट कर रहे हैं, और मतलब कि सबका बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। टैप हियर, ओके थैंक यू। एयरपोर्ट ट्रेन का आने का वेट कर रहा हूँ, उसकी फ्रीक्वेंसी 10 से 15 मिनट की है, तो 10-15 मिनट में ट्रेन आ जाएगी। थोड़ी देर पहले जा रही थी जब मैं टिकट परचेस कर रहा था, तो एयरपोर्ट पे लोकल करेंसी निकालने का इशू नहीं है, आराम से निकल आएगा, बस मेरी ज़रा पिन की गलती मत करना। सिम कार्ड का इशू है, वो सिटी जाकर ही सॉल्व होगा। पूरा एयरपोर्ट ऑलमोस्ट खाली पड़ा हुआ है, एक तो इतना ज़्यादा बड़ा एयरपोर्ट है ना कि लोग जो हैं भी तो फैले हुए हैं। तो ये है बीजिंग कैपिटल एयरपोर्ट एक्सप्रेस, ये भी ऑलमोस्ट पूरी खाली पड़ी हुई है, ये देखो। आपको पता ही है चाइना में सारी ट्रेन कितनी मॉडर्न, कितनी एडवांस और कितनी फास्ट होती हैं। तो 30 किलोमीटर आई थिंक 15-20 मिनट यहाँ से पहुँच जाएंगे। चाइना के कैपिटल सिटी बीजिंग में आप लोगों का स्वागत है। एयरपोर्ट मेट्रो ने बीजिंग की सिटी सेंटर में लाकर ड्रॉप कर दिया है। बीजिंग वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलस कैपिटल सिटी है, जी हाँ। पूरी दुनिया में जितनी भी राजधानी, जितनी भी कैपिटल है हर कंट्री की, उसमें से सबसे पॉपुलस, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन बीजिंग की है। इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, दिल्ली बड़ा है पर न्यू दिल्ली दिल्ली का 8 या 10% ही है। बीजिंग पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी कैपिटल सिटी है। बीजिंग चाइना की सेकंड लार्जेस्ट सिटी है, चाइना की लार्जेस्ट सिटी शंघाई है, जहाँ भी हम लोग जाएंगे मे बी ट्रिप के बीच में या एंड में। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे इन लोगों ने एक लेन अलग से ही साइकिल्स और जितनी भी इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड व्हीकल्स हैं उनके लिए अलग से डेडिकेट की हुई है। ये देखो कितनी सारी यहाँ पे बाइक, ये देखो ये सब सारी या तो साइकिल्स हैं या तो फिर इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड टू व्हीलर्स हैं। ये देखो, चाहे स्कूटी हो, चाहे बाइक हो, चाहे साइकिल हो, सब इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड है यहाँ पे। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये कुछ बंद टाइप के ई रिक्शा भी चल रहे हैं इस डेडिकेटेड लाइन में। ये यार, ये कोई यहाँ पे स्क्वायर आ चुका है और मेरे पास इंटरनेट है नहीं, सिम कार्ड है नहीं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है किधर जाऊँ। जहाँ मैं रुका हूँ, जो मेरा एड्रेस लोकेशन है, वो कहीं आसपास ही है बट मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। गूगल मैप पे भी यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई से पूछना पड़ेगा। तो ये भाई साहब मिले, इनसे मैं एड्रेस दिखा के पूछ रहा हूँ। मैंने एड्रेस इनको चाइनीज में दिखाया तो ये देख के समझ रहे हैं। ओके थैंक यू, शुक्रिया। तो ये बोल रहे हैं आगे जाओ, आगे जाके लेफ्ट ही मुड़ना है, यहाँ से 500 मीटर पे है, तो 500 मीटर यहाँ पे वॉक करना पड़ेगा। रोड कैसे क्रॉस करूँ भाई, बाकी लोग कैसे ही कर जा रहे हैं, किसी के साथ ही करता हूँ तभी समझ में आएगा। वाह भाई वाह, क्या नज़ारा है, ये देखो भाई, 6-6, 10-10 लेन के रोड्स हैं भाई यहाँ पे। ये देखो बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, काफ़ी विंडी वेदर है। इन भाई साहब से मैंने एड्रेस पूछा तो चले गए, दोबारा फिर से आ गए अपनी साइकिल लेके, बोला चलो मैं आपको छोड़ के आता हूँ, एड्रेस दिखा के आता हूँ। तो मुझे यार चाइना में एक्सपेक्टेड बिल्कुल भी नहीं था कि जनरली मैं कोई भी नॉर्मल इंसान से रास्ते पे, सड़क पे कुछ पूछूंगा, एड्रेस पूछूंगा,
तो इस लेवल पे आके मेरी हेल्प करेगा वो। ये देखो मेरे साथ साथ चल के जा रहे हैं साइकिल से। बोले नहीं आपको मैं छोड़ के आऊँगा, एड्रेस दिखा के आऊँगा। देखो सारी छोटी छोटी गाड़ी, पूरी इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड गाड़ियाँ हैं यहाँ पे, छोटी छोटी। चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सिर्फ सुना ही था कि वर्ल्ड क्लास होते हैं, अभी तो बस शुरुआत ही है, पहला इंप्रेशन ही है। सब कुछ भाई बहुत खतरनाक लग रहा है भाई, गजब का इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है भाई, सब कुछ। एयरपोर्ट से मिला के इनका मेट्रो स्टेशन, और यहाँ पे बाहर आते ही मेट्रो स्टेशन के सब कुछ, यहाँ पे इनके रोड्स, हाईवे, अंडरग्राउंड पासेस, सब कुछ भाई गजब का है। चाइना टूरिज्म के लिए 3 साल के बाद ओपन हुआ है, और मैं शुरुआत के उन ट्रैवलर्स में से हूँ जो यहाँ पर ट्रैवल करने के लिए आया है चाइना में। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस तो काफ़ी हट चुकी हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग मास्क लगाए हुए हैं। आई थिंक जहाँ आना था पहुँच चुके, ऐसा मेरे को फील हो रहा है। ओके ओके, तो भाई ये बीजिंग का लोकल नेबरहुड है, कोई सोसाइटी है, यहाँ पे फ्रूट्स और वेजिटेबल की शॉप्स है। यहाँ पर ये देखो एंट्रेंस पे ही इस सोसाइटी की, ये देखो तो बहुत ज़्यादा बड़ी सोसाइटी है ये। कई सारे यहाँ पे अपार्टमेंट्स हैं, अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हैं, यहीं पर कहीं मैं रुका हुआ हूँ। ये देखो गाड़ी, देखो ये पे छोटी 1 सीटर ये कार है, इलेक्ट्रिक कार है 1 सीटर। ये देखो इसके अंदर सिर्फ 1 सीट है, ये देखो गुड। सब यहाँ पे 1 सीटर इलेक्ट्रिक कार है, छोटी खड़ी है। ये 2 सीटर है, आराम से छोटी आपकी 4 व्हीलर हो गई, एक लोग दो लोग आराम से बैठो, कहीं भी जाओ। हेलो नी हाओ, पता नहीं कौन था, इनसे मैं क्या बोलूँ भाई यार, सिर्फ इशारों के भाषा में बात हो रही है, मेरी पूरी हेल्प कर रहे हैं। दिस 160 ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, शीश है शीश है, बाय बाय भाई। कमाल के लोग हैं चाइना के, कमाल के। हेलो 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 हेलो, चाइना का फर्स्ट इंप्रेशन तो भाई अल्टीमेट है भाई। सारे ऑफिसर्स, यहाँ के लोकल लोग, सब लोग यार सुपर फ्रेंडली, सुपर हेल्पफुल। तो इस बिल्डिंग के अंदर मेरे होस्ट का घर है जहाँ मैं रुका हूँ। आई डोंट नो वो घर पे है कि नहीं, उन्होंने बोला था कि सुबह काम पे चले जाते हैं और वो शाम को आते हैं। उन्होंने अपने घर की चाबी, ये देखो उनका ये कुछ लेटर बॉक्स है, उसके अंदर इन्होंने चाबी रख दी है, और चाबी आप ले लेना मेरे घर जाके आराम से आप रहना। तो इस बिल्डिंग का ये लॉक कोड है, इसे खोलना पड़ेगा, लॉक कोड भी इन्होंने मेरे को बताया हुआ है। खुल गया, खुल गया, ओके। तो ये है बीजिंग की आम जिंदगी, ऐसे यहाँ पे लोकल घर है, लोकल अपार्टमेंट्स है। ये देखो, तो ये देखो घर की चाबी में इन्होंने अपना फ़ोन नंबर भी अटैच किया हुआ है, कभी चाबी खो जाए तो जो भाई इनको फ़ोन करके चाबी दे दे। खुल गया भाई, खुल गया। ये मेरे होस्ट का घर है ये, इस अपार्टमेंट में, और घर पे कोई है नहीं, मैं अकेले हूँ इस समय। कुछ ऐसा घर है ये देखो, यहाँ का नॉर्मल घर यहाँ पे कैसे होते हैं बीजिंग के। ऊपर सीढ़ी गई हुई है, आई डोंट नो ऊपर क्या है, मैं अभी कहीं जाऊँगा नहीं अकेले, मतलब अपने से। यहाँ पे ये किचन है, कुछ स्टूडियो अपार्टमेंट टाइप का लग रहा है मेरे को। ये किचन है यहाँ का, और ये वॉशिंग मशीन और वॉशरूम वगैरह यहाँ पर है। मेरे होस्ट यहाँ के लोकल हैं, लोकल बीजिंग के हैं, चाइनीज़ हैं, और उनको मैं जानता नहीं, मिला नहीं, बस नॉर्मली बात हुई। पूरा घर का चाबी मेरे को उन्होंने दे दिया, पूरा घर अपना अकेले दे दिया, बिना जाने बिना पहचाने। कितने लोग यहाँ पे दूसरे को ट्रस्ट कर रहे हैं, यहाँ ट्रस्ट करते हैं। कई कंट्रीज मेरे साथ हो चुका है, यहाँ पर भी सेम हो रहा है, लोग स्ट्रेंजर पर कितना ट्रस्ट कर रहे हैं और करते हैं मेरे ऊपर, देख सकते हो आप लोग। यहाँ पे वाईफाई भी है, होस्ट ने मेरे को पासवर्ड दे दिया तो इंटरनेट में यूज़ कर सकता हूँ। सिम कार्ड में भी शाम को या कल परचेस करूँगा। और यार पिछले 2 रात से ठीक से सोया नहीं हूँ, बस 2-3 घंटे सोया हूँ पिछले 2 रात से। और हाँ, एक यहाँ पे प्रॉब्लम और भी है, चाइना में व्हाट्सएप, गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, बहुत सारी ग्लोबल सर्विसेज यहाँ पे बैंड है, या बोल सकते हो फिल्टर्ड है या रिस्ट्रिक्टेड है, तो यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हो। इनका खुद का सर्च इंजन हो गया, इनका मैसेजिंग ऐप हो गया, वी चैट, सारे एप्लीकेशन सर्विस इनके खुद के हैं इन लोग। तो अब मेरे को यहाँ से फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, गूगल मैप्स, जो भी सब कुछ यूज़ करने के लिए, इवन व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम भी नहीं चलता है, सब यूज़ करने के लिए मेरे को यहाँ पे VPN यूज़ करना पड़ेगा। हे गाइस, वेरी गुड इवनिंग। अभी शाम के अराउंड 6 बज रहे होंगे, बाहर हल्का हल्का डार्क हो चुका है। तो अभी मैं अपने होस्ट के साथ निकला हुआ हूँ यहाँ पे। यार चाइना में होस्ट बता रहे हैं कि यार हर 50-100 मीटर पे एक यहाँ पे मॉल है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर,
तो घर के बगल में ये शॉपिंग मॉल हम लोग आए हुए हैं, यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट्स भी है। वो वीडियो में आना नहीं चाहते तो मैं इनको दिखा नहीं पाऊंगा। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पे थोड़ा विजिट के लिए, आउटिंग के लिए आए हुए हैं। देखते हैं यहाँ का एम्बियंस कैसा है बीजिंग का, अगर कुछ ठीक ठाक मिल जाता है तो कुछ खा भी लेते हैं। तो ये शॉपिंग मॉल है बीजिंग का, यार नॉर्मल शॉपिंग मॉल है, ऐसा नहीं कोई पॉपुलर हो या कोई फेमस हो, ऐसे यहाँ पे हजारों है। अभी शाम का टाइम है, टेम्परेचर अराउंड 22 डिग्री है, तो एक नॉर्मल टी शर्ट में हल्की हल्की ठंड लग रही है। टी शर्ट वाला मौसम तो नहीं है, लेकिन आप फुल शर्ट पहने हो या कुछ हल्का ज़्यादा पहने तो काम चल जाएगा, बट एक सिंपल टी शर्ट में आपको ठंड लगेगी 22 डिग्रीज में। यहाँ पे मई के मध्य में यार इंडिया में तो एकदम गर्मी हो जाती है। तो अभी जहाँ पर मैं रुका हूँ, ये बीजिंग का एग्जैक्ट सिटी सेंटर है, एकदम सेंटर है बीजिंग का, एकदम प्राइम लोकेशन है, डाउन टाउन बोल सकते हो। तो आप देख सकते हो ज़्यादातर लोग यहाँ पर फुल कपड़े या जैकेट पहने हुए हैं, टी शर्ट में बहुत ही कम लोग हैं। ऐसा बोला जाता है कि बीजिंग ऑलमोस्ट पूरा चाइना ही, मॉडर्न प्लस इनका जो ओल्ड ट्रेडिशन ओल्ड कल्चर है उसका मिक्सचर आपको यहाँ दिखेगा, वैसा दिख रहा है, देख सकते हो यहाँ के आर्किटेक्चर में वैसा आपको फील होगा। दिस रेस्टोरेंट एंड पीपल आर वेटिंग हियर आई थिंक। तो देखो ये रेस्टोरेंट है, यहाँ लोग बाहर इस तरह वेट कर रहे हैं बैठ के। ऑलमोस्ट यहाँ पे सारे रेस्टोरेंट वैसे ही हैं, कितने सारे लोग बाहर बैठ के वेट कर रहे हैं खाने पीने के लिए। सब कुछ भाई एकदम सॉर्टेड आउट है, एकदम रूल से है, कोई जल्दीबाजी नहीं, कुछ ऐसा कुछ नहीं है। तो अपनी नेबरिंग कंट्री, लेकिन सब कुछ काफ़ी ज़्यादा अलग, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। अभी तो बस शुरुआत है, अभी तो भाई हम लोग कुछ भी नहीं देखे हैं, शायद 1% भी नहीं है जो मैं घूमने वाला हूँ, जो लोग देखने वाले हैं। तो बस एक तरीके का इंट्रोडक्शन है चाइना का। तो ये जो स्ट्रीट आप देख रहे हो, इस स्ट्रीट का नाम है क्विजे, लगभग 2 से 3 किलोमीटर लंबी स्ट्रीट है ये। यहाँ पे दोनों साइड, इस साइड भी अपोजिट साइड भी सिर्फ रेस्टोरेंट्स ही हैं और कुछ भी नहीं है। सब बाहर बैठ के वेट कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ग्रुप्स में हैं, अकेले भी हैं, कपल्स भी हैं, काफ़ी सारे फैमिली वाले भी होंगे। ये देखो, तो ये देखो, ये कोई रेस्टोरेंट आए हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़ा मल्टी फ्लोर रेस्टोरेंट है। इसका आर्किटेक्चर डिज़ाइन भी मॉडर्न प्लस एंशियंट चाइनीज़ का मिक्सचर है। देखो तो यहाँ पे देखो कि भगवान के यहाँ पे स्टैचू लगा हुआ है। तो कोई ट्रेडिशनल चाइनीज रेस्टोरेंट है, देखते हैं कुछ क्या ही खा पाते हैं यहाँ पे। तो हम लोगों ने ये देखो, ये सूप ऑर्डर किया है, इसको लोकली लोग बोल रहे हैं गुदाखा, कुछ ऐसा नाम है। ये सूप है, इसमें कुछ वेजिटेबल्स हैं, कॉर्न है और एग है, टोमेटोज है, कैप्सिकम है। इस सूप में काफ़ी सारे मशरूम भी पड़े हुए हैं। अब काफ़ी माइल्ड फ्लेवर है ये, मतलब स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं बोल सकते, हल्का सा मे भी स्पाइसी हो, अपने हिसाब से बिल्कुल भी नहीं है, इन लोग के हिसाब से ठीक ही है। साथ में ये नूडल्स, चाइनीज़ लोग काफ़ी ज़्यादा खाते हैं, लोग जानते होंगे, नूडल्स है, ये वेजिटेबल है, ये देखो, और ये टोफू का आइटम है जो कि सोया से बना हुआ है। इतने खाने का बिल आया 1000 युआन, लगभग 1200 रुपये। तो मैं दे रहा था पूरा, तो जो मेरे होस्ट हैं उन्होंने बोला नहीं नहीं हम लोगों ने खाना शेयर किया है, तो आधा मैं भी दूंगा, आधा करेंगे। पर हेड वही लगभग अपने हिसाब से 600 रुपये पड़ा खाने का।